हाय दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को मेन भर के फॉर्म बताने वाली हूँ। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो मेन भर के फॉर्म जो पांच होते हैं, और पांचों कौन कौन से होते हैं उन सभी का नाम हम विस्तार से जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो आपका पहला है रूट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसका संकेत होता है V1। V1 को ही हम रूट फॉर्म कहते हैं, और इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। वर्ब 1 का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और किसके साथ, तो पूर्व नंबर के साथ किया जाता है, जैसे कि गो, पे, ये सब क्या आपका वर्ब 1 है। और नेक्स्ट आपका ED फॉर्म। ED फॉर्म को हम वर्ब 2 कहते हैं। जिस वर्ब में आपका ED लग जाता है वो आपका वर्ब 2 कहलाता है। इसका प्रयोग जो है पास्ट टेंस में किया जाता है, वो भी किसके साथ, तो सिंगुलर या प्लूरल नंबर दोनों के साथ, सिंगुलर नंबर्स या प्लूरल नंबर्स दोनों के साथ किया जाता है। जैसे कि बेंट हो गया, प्रेड हो गया, ये सब क्या आपका वर्ब 2 है। और तीसरा है EN फॉर्म, जिसे हम वर्ब 3 कहते हैं। तो जिस वर्ब में आपका EN लग जाता है वो वर्ब आपका वर्ब 3 कहलाता है, और इसका प्रयोग जो है पास्ट पार्टिसिपल में किया जाता है, और किसके साथ, तो सिंगुलर या प्लूरल नंबर दोनों के साथ किया जाता है। जैसे कि गोन, प्रेड, ये सब क्या आपका वर्ब 3 है। और चौथा है आपका ING फॉर्म, जिसे हम वर्ब 4 कहते हैं, और इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया जाता है। जिस वर्ब में आपका ING जुड़ जाता है उस वर्ब को हम वर्ब 4 कहते हैं, और इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया जाता है, और किस के साथ, तो सिंगुलर या प्लूरल नंबर दोनों के साथ किया जाता है। जैसे कि गोइंग हो गया, प्लेइंग हो गया, ये सब क्या आपका वर्ब 4 है। तो जिस वर्ब में आपका ING जुड़ जाता है उस वर्ब को नाम होता है वर्ब 4, और जिस वर्ब में आपका EN जुड़ जाता है उस वर्ब को हम कहते हैं वर्ब 3, और जिस वर्ब में आपका ED जुड़ जाता है उस वर्ब को हम भी 2 कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका ई या ES फॉर्म, जिसे हम भी 5 कहते हैं। S या ES फॉर्म को हम V5 कहते हैं, और इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, वो भी सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। V5 का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में होता है, वो भी सिंगुलर नंबर्स के साथ। जैसे कि जिस वर्ब में आपका S या ES जुड़ जाता है उस वर्ब को हम V5 कहते हैं। जैसे कि गोज है, गोज में आपका ES है, तो ये आपका कौन सा वर्ब हो गया, तो वर्ब 5 हो गया। इट्स में आपका S जुड़ा हुआ है, तो ये आपका वर्ब 5 हो गया। प्रेस में आपका S जुटा हुआ, तो अभी आपका वर्ब 5 होगा। जिस वर्ब में आपका S या ES जुड़ जाता है उस वर्ब को हम वर्ब 5 कहते हैं, और वर्ब 5 का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, वो भी सिंगुलर नंबर्स के साथ। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेन वर्ब के पांचों फॉर्म याद हो गया होगा, यानी समझ में आ गया होगा। तो यदि मेरा वीडियो अच्छे लगे हो तो जैसा शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।